नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान से दो दिन पहले यानी आज मंगलवार को प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में वोट मांगने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तेलंगाना के लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए पार्टी के लिए प्रचार किया। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि मैं आपके बीच नहीं आ पाई, लेकिन आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कांग्रेस का जरूर समर्थन करें। तेलंगाना मां के शहीद के बेटों का सपना मैं पूरा होते देखना चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं दिल से चाहती हूं कि दौराला तेलंगाना को हम सब प्रजाला तेलंगाना में बदल दें। आपको आपके सपनों को साकार करें और आपको एक सच्ची और ईमानदार सरकार भी दे। आपने सोनिया अम्मा कहकर मुझे अपार श्रद्धा और सम्मान दिया है, मुझे माँ समान माना। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस प्रेम और आदर के लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और आपके प्रति हमेशा के लिए समर्पित भी रहूंगी। तेलंगाना की अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, तेलंगाना की अपनी बेटों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से मेरी गुजारिश है, मातल्ली पिलुल्लू, इस बार अपनी पूरी शक्ति बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करो, कांग्रेस के लिए वोट करो। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस दक्षिणी राज्य में सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि केसीआर की पार्टी बीआरएस लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। तो वहीं बीजेपी ने भी सत्ता में आने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगामी चुनाव में बीआरएस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके पुत्र केटी रामा राव, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य बंदी संजय कुमार, डी अरविंद और सोयम बापूराव समेत 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।